तैयार हो जाइए एक और दमदार एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए। और ये हफ्ता थोड़ा अनयूजुअल रहने वाला है क्योंकि इसमें 5 ट्रेडिंग डे नहीं 6 ट्रेडिंग डे हैं। जी हाँ, ये ऐसा हफ्ता है जहां पर सैटरडे को भी हमें काम करना है। आधा ही दिन सही, छोटा ही सेशन रहेगा, बट हाँ 6 ट्रेडिंग सेशन वाला हफ्ता है तो लंबा हफ्ता रहेगा, एक्शन भी भरपूर रहेगा। और आज भी जबरदस्त एक्शन के लिए तैयार है। स्वागत है आपका जी बिजनेस में, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। एक्शन पैक डे रहने वाला है क्योंकि नतीजों का सीजन यहां फुल स्विंग में है। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो मार्केट्स हैं वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड रैली बनाते चले जा रहे हैं। तो क्या एक और दिन है जहां पर हमें नए रिकॉर्ड्स बनते टूटते दिखाई देंगे। चलते हैं और करते हैं अब शो की शुरुआत। दीप मॉर्निंग, सबसे पहले आज के ट्रिगर्स के साथ शुरुआत कर देते हैं। एब्सोल्युटली, तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि 22,000 की तैयारी है स्क्रीन पर। उससे पहले आप देखें तो ग्लोबल फैक्टर्स हमारे लिए सपोर्टिव ही हैं, कुछ ज़्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अमेरिका में नतीजों का रिएक्शन था इसलिए आपने थोड़ा डाउ पर नरमी देखी है। नैसडैक आपके लिए एकदम फ्लैट रहा, बट अमेरिका से नतीजों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नतीजे। और लगातार बैक टू बैक आईटी के दमदार नतीजे आ रहे हैं। इन्फी टीसीएस ने अच्छी शुरुआत की और फॉलोअप एचसीएल टेक और विप्रो का उतना ही मजबूत है, तो वहां पर भी आज आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। पूरा आईटी पैक ही आपको एक बार फिर से मोमेंटम में दिख सकता है। बीएचईएल एक ऑल टाइम फेवरेट है अनिल जी का, लगातार इस पर आपके लिए रिकमेंडेशन आई है। 15,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर इसे मिल चुका है। हालांकि बाजार को मालूम था कि ऑर्डर इनकी तरफ ही आने वाले, बट ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इसकी आ चुकी है। तो बीएचईएल पर भी आप रखिएगा नजर। महंगाई यहां पर भी थोड़ा नजर रखने की जरूरत है। 4 महीने की ऊंचाई पर है भारत में महंगाई, हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे थोड़ा कम ही का ये आंकड़ा है। मीनवाइल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका 8 महीने में सबसे कम आया है। तो कुछ मैक्रो फैक्टर्स भी हैं जिस पर हमें फोकस करना है, बट अदरवाइज अगर आप देखें नेहा, कोई परेशानी नहीं है। अच्छे ट्रिगर्स आज सुबह बाजार के लिए निकल कर आ रहे हैं। चलिए, ट्रिगर्स तो अच्छे हैं, लेकिन दीप थोड़ा ग्लोबल फैक्टर्स के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि आई डोंट नो उसका कितना सहारा मिलने को है। बड़े मिले जुले से क्यूज आ रहे हैं और उसके आंकड़े भी, हम पिछले हफ्ते के अहम आंकड़े आर्थिक आंकड़े देखे, कोई क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूज करने का काम ज्यादा किया। क्या हुआ एग्जैक्टली? बिल्कुल, तो ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में आपको बता दूं। उससे पहले एक चीज मैं व्यूअर्स को बता दूं, ऐसे नेहा और मैंने शुरुआत करी है और हमेशा मजा भी आता है नेहा के साथ शो करने में। अनिल जी आपको नहीं दिख रहे हैं शो पर, जैसा काफी सारे हमारे व्यूअर्स जानते भी हैं, सर ट्रैवल कर रहे थे ओवर द वीकेंड। कोची में थे, कैलकट में थे, कोझिकोड में थे और वहां से फिर फ्लाइट डिस्ट्रप्शन है। सर की ट्वीट भी आप सबने देख ही ली होगी, विजुअल्स भी आ रहे हैं, तो वहां से सर आने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट में डिले हुआ है। हमारी टेक्निकल टीम बैकग्राउंड में पूरी पूरी कोशिश कर रही है इस समय अनिल जी हमारे साथ जुड़ सके और स्ट्रैटेजी आपको दे सके, तो कोशिश हमारी जारी है। और कुछ ही देर में हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अनिल जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और आज की स्ट्रैटेजी सर हमें दे पाएंगे। बट जैसे कि कल हमने देखा फॉग, दिल्ली में फॉग की वजह से अक्रॉस इंडिया कुछ बड़े सीरियस फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग उसमें अटके हैं। आप देख भी रहे हैं एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, ये तो आप एक एयरपोर्ट के विजुअल्स देख रहे हैं बट अक्रॉस इंडिया ये विजुअल्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया में हर किसी ने देखे हैं और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों के ट्रैवल प्लान्स और बाकी रिलेटेड प्लान्स डिसरप्ट भी इसकी वजह से हुए हैं। तो अनिल जी भी इस डिसरप्शन का हिस्सा हैं, उनके भी लंबी रात रही सर के लिए और काफी परेशानियां भी सर ने झेली हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं, अब देख सकते हैं कि इस केओस के बीच एक ऐसी जगह ढूंढना जहां से सर हमसे बात कर सकें, स्ट्रैटेजी आपको दे सकें, थोड़ा मुश्किल है। तो हमारी कोशिश जारी है और जितनी जल्दी हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि अनिल जी हमारे साथ जुड़ सकें, तो जैसे ये होगा हम आपको बताएंगे और फिर एटलीस्ट स्ट्रैटेजी तो हम सर के साथ लेने की कोशिश कर ही रहे हैं। बट नया, कल काफी परेशानी हुई है, जो वेदर डिसरप्शन हुआ है उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी फ्लाइट्स डाइवर्ट हो गई और डेस्टिनेशन के बजाय कुछ अलग ही अलग जगहों पर, कोई दिल्ली की फ्लाइट बॉम्बे लैंड कर गई, कोई जयपुर लैंड कर गई, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अमूमन हम देखते भी हैं कि ये फॉग की वजह से विजिबिलिटी लो होती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलिए उम्मीद यही करते हैं कि सर बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी रणनीति शेयर करेंगे। लेकिन दीप, सवाल वही, ग्लोबल फैक्टर्स क्या किया है और कितने महत्वपूर्ण है, कैसे देखें? तो सबसे बड़ी बात, तो आज हमें ग्लोबल फैक्टर्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज अमेरिकी बाजार की छुट्टी है, ठीक है। और यूजुअली हम देखते भी हैं कि जिस दिन अमेरिकी बाजार बंद होते हैं हमारे ट्रेडर्स के लिए एक फ्री हिट हो जाता है उसके लिए, क्योंकि आपको डाउ फ्यूचर्स नहीं देखना, नैसडैक फ्यूचर्स नहीं देखना, उसकी आज कोई वैल्यू नहीं होने वाली है, बाकी जो भी संकेत आएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं। अब जो रिएक्शन होगा कल शाम अमेरिका में होगा, तो परसों सुबह हमें इसका देखना है। दूसरी बात, जापान से आपके लिए लगातार अच्छे संकेत आ रहे हैं, 34 साल की नई ऊंचाई पर जापानीज बाजार रोज ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर मजबूती कायम है। यह हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा डेटा आने वाला है इस हफ्ते। चीन का GDP डेटा आएगा, इस पर आप रिएक्शन आते हुए देख सकते हैं।
अमेरिका में आप रिटेल बिक्री के आंकड़े देखने वाले हैं, उनके बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं, कुछ और वहां पर आपको रखना है फोकस। जहां तक आज सुबह के जो संकेत फ्राइडे का हैंडओवर आ रहा है अमेरिका से, कुछ ज्यादा खास नहीं है, और स्पेशली डाउ में आपने देखा 125 अंकों की गिरावट आई है। हालांकि वीकली बेसिस पर हमने देखा अमेरिकी बाजार पॉजिटिव बंद हुए, बट फ्राइडे का एक्शन नर्म इसलिए क्योंकि बैंक्स के जो इनके नंबर्स आए हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। चार बड़े बैंक्स, जैसे हमारी चार बड़ी आईटी कंपनीज के नंबर्स आ गए, इनके चार बड़े बैंक्स के नंबर्स एक ही दिन आ गए और चारों के चारों नंबर्स को ज्यादा खास नहीं रहे हैं, और इसलिए बाजार ने भी उस पर रिएक्शन नेगेटिव ही दिया है ऑन ओवरऑल बेसिस। तो बैंक्स की अर्निंग्स थोड़ी सुस्त नोट पर शुरू हुई है। अब क्या ऐसी सुस्त बनी रहेगी, ये कहना मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कभी भी आप फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स को एक ओवरऑल अर्निंग्स का नहीं ले सकते, बट यूबीएस का कहना है, यूबीएस की एक रिपोर्ट भी आई नंबर्स के बाद, कि उन्हें लग रहा है कि नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे इस सीजन में। अच्छा। शुरुआत जैसी भी हो, उन्हें लग रहा है कि ओवरऑल 4-5% की ग्रोथ आनी चाहिए, तो ओवरऑल उनको वहां पर डर नहीं है, बट फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स से ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। दूसरा सिटी ग्रुप बड़ा बैंक है, इन्होंने कहा है कि अपनी 10% वर्कफोर्स की छटनी करने वाले हैं अगले 2-2.5 साल में, तो बड़ा बात है, 20,000 लोगों को ये निकालने वाले हैं आने वाले समय में, तो वो भी एक दर्शा रहा है कि एक स्लोडाउन का इफेक्ट तो आ ही रहा है, बैंक्स के नंबर्स में भी दिख रहा है, आगे के आउटलुक में भी दिख रहा है। बट बाजार इस मूड में है कि स्लोडाउन से जुड़ी कुछ भी खबर हो, इकोनॉमी से जुड़ी कुछ भी सॉफ्टनेस की खबर हो, डेटा जो भी आपको थोड़ी नरमी दिखाए, वहां पर बाजार आपको थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन देने की तैयारी में है। तो इनका होलसेल इन्फ्लेशन आंकड़ा आपको आते हुए दिखा, वो अच्छा था। इनका सीपीआई आंकड़ा खराब था क्योंकि अनुमान से ज्यादा आया, बट होलसेल इन्फ्लेशन अनुमान से बेहतर आया है, और उसके बाद बाजार ने फिर से रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी हैं। मार्च में अब 75% लोग मान रहे हैं रेट कट होगा, यही सीपीआई आंकड़े के बाद 70% का था। अब पॉलिसी आने वाली है फेड की अगले हफ्ते, क्या सच में होता है या नहीं होता है वो फेड के ऊपर डिपेंडेंट है, कमेंट्री क्या रहेगी वो डिपेंडेंट है, बट बाजार तैयार है कि हमें मार्च में रेट कर देना है, तो वो एक पॉजिटिविटी अंडरलाइन जो टोन है अमेरिकी बाजार की। तो डेटा मतलब कुछ भी आए, मार्केट अपना कॉन्फिडेंस लेके चल रहा है जब तक फेड इसे खराब नहीं करे। अभी के लिए तो अब देखते हैं जनवरी अगले हफ्ते जो पॉलिसी आएगी उसमें फेड क्या कमेंट्री देता है, बट ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो ग्लोबल फैक्टर्स हमारे लिए ठीक ही आ रहे हैं, बट आइए, अनिल जी से हमारा संपर्क हो चुका है, कोझिकोड एयरपोर्ट में सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एरिया सर को मिल चुका है। मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़े भी टेक्निकल डिसरप्शंस आते हैं तो फिर हमें माफ कीजिएगा, बट इस सिचुएशन में, इस कनेक्टिविटी में जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, तो सर से स्ट्रेट अवे हम पहले एक बार उनका व्यू ले लेते हैं, स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पर बात करेंगे। अनिल जी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आई नो आपके लिए बहुत मुश्किल रात रही है, बट एक बार आज के लिए कुछ खास बातें, आज के लिए जो ब्रॉड व्यू आपका बन रहा है एडिटर्स टेक बाजार को लेकर, वो क्या बनता है सर आज के लिए, जो बड़े ट्रिगर्स हैं, पहले ये बताइए कि बाजार कहां पर फोकस करने वाला है। बिल्कुल, आज भारतीय बाजार खुलते ही नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है, और जिस तरह के संकेत दीप उसको देखकर लगता है कि आज 22,000 के पार निकलेंगे भी और टिकेंगे भी। सबसे बड़ी बात यह, निकलना नहीं टिकना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा लग रहा है, उसके पीछे आपको लगेगा कि दुनिया भर के कारण तो उतने मजबूत नहीं है, लेकिन दुनिया भर के कारणों के बजाय हमारे अपने कारण बहुत मजबूत हैं। और सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है आज आईटी शेयर की दमदार नतीजों का। इंफोसिस और विप्रो ने जिस तरह की शुरुआत की थी, उस शुरुआत के बाद यहाँ पर आपको विप्रो और एक्सेलटेक उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो लगातार 30 दिन लोकल फंड्स की तरफ से अच्छी खरीदारी आती दिखी है। ग्लोबल मार्केट्स लगभग स्टेबल से आपको नजर आएंगे, और उसके अलावा भारतीय बाजारों में जो एक्शन है नए लाइफ हाई का, वो और भी जबरदस्त है, यानी कि शुक्रवार के दिन भी आप नए लाइफ हाई पर बंद होते हुए दिखे। तो ये चार बड़े ट्रिगर हैं जिनके दम पर हमें अपने ट्रेडिंग सेशन की आज शुरुआत करनी है। चलिए, तो ट्रिगर्स तो अच्छे आ रहे हैं और 22,000 की तैयारी है, ये आपके लिए क्लियरली एक संकेत आते हुए दिख रहा है। आई इस 22,000 की तैयारी में सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है जो नतीजों का है, तो पहले नतीजों पर ही अनिल जी से बात कर लेते हैं, जो दो बड़े नतीजे हैं उसका रिजल्ट रिव्यू ले लेते हैं। अनिल जी बताएं सर, फिर एचसीएल टेक विप्रो, इन नंबर्स को आपने कैसे देखा है और इसका क्या रिएक्शन आ सकता है, आज के लिए क्या सलाह रहेगी इस पर? आइए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आईटी के नतीजे देखिए, एचसीएल टेक और विप्रो दोनों ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए। आईटी में आप देख रहे हैं इंफोसिस और साथ ही साथ टीसीएस के जो नतीजे दमदार आए थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इन दिग्गजों ने जो माहौल बनाया है उस माहौल को बहुत आगे बढ़ाने के लिए बाकी आईटी कंपनियां भी तैयार हैं। सिर्फ अगर दो दिग्गजों तक सीमित रहते हैं तो शायद आईटी स्ट्रक्चर की उतनी बड़ी री रेटिंग नहीं होती है, लेकिन आपको याद होगा हम लगातार
नवरात्रि के वक्त से, उसके बाद दिवाली के वक्त, और उसके बाद भी नए साल की शुरुआत में 1 जनवरी को हमने कहा कि 2024 का साल आईटी सेक्टर का था। तब शायद ही किसी को भरोसा रहा होगा कि आईटी सेक्टर इतना बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। तो आईटी सेक्टर में जो एक्शन होता हुआ दिखा है वो बड़ी तेजी का है, और मुझे लगता है कि ये सेक्टर कमाल करते हुए दिखेगा। अब मैं आपको एक बार यहीं पर आईटी के नतीजों पर दोनों ही रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आप रिव्यू ले लीजिए विप्रो का। विप्रो के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ही गजब का एक्शन विप्रो में होता हुआ दिखा है। और विप्रो में मुझे लगता है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैं आपको लेवल्स आपको विप्रो के दे देता हूँ यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। यहाँ से विप्रो में 460 रुपये का स्टॉप लॉस रखें फ्यूचर्स में, 499 और 505 ये दो ऊपर के टारगेट हैं, लेकिन फाइनल टारगेट 525 का बनेगा। क्यों? पूरे आईटी सेक्टर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी आती हुई दिखी है अब तक। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, मार्जिन उम्मीद से बेहतर होते हुए आए, ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी है, और सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट आगे की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है। अब मैं जो आपको एक बात बोलने जा रहा हूँ विप्रो को लेकर दीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कि इस साल का आईटी में स्पेशली दिग्गजों में, मिड कैप स्मॉल कैप तो फिर अलग हो सकते हैं, लेकिन दिग्गजों में सबसे बेस्ट परफॉर्मर आईटी में कोई हो सकता है तो विप्रो होगा। तो विप्रो पे इस लिहाज से नजर रखिए, और इस साल का मेरा विप्रो का टारगेट 700 रुपये प्लस का बनकर आता है, तो अभी भी काफी अपसाइड विप्रो में रहेगी। दूसरा स्टॉक जिस पर रिजल्ट रिव्यू हमें करना है और वो है एक्सेल टेक। एक्सेल टेक के भी नंबर्स बहुत तगड़े आए, मैं फ्यूचर से आपको लेवल दे लूँ, खरीदारी करने की राय है 1530 के स्टॉप लॉस के साथ, 1570, 1585, 1592 ये तीन छोटे टारगेट हैं, और 1640 का हमारा फाइनल टारगेट है। क्यों? रिजल्ट उम्मीद से बेटर है हर एक पैरामीटर पे, डील पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन्स, ग्रोथ और हायरिंग के लिहाज से, बाकी सारी कंपनियां हायरिंग कम कर रही है लेकिन एक्सेल टेक एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने हायरिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में। इससे आपको समझ में आएगा कि मजबूती किस तरह की है। सो ग्रोथ के लिहाज से, मार्जिन के लिहाज से आईटी दिग्गजों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सेल टेक की आई है, और सबसे बड़ी बात यह कि अगली तिमाही के लिए भी ग्रोथ आउटलुक काफी मजबूत दिया है एक्सेल टेक ने। ये दो स्टॉक हैं जो आज बाजार का मूड माहौल तय करेंगे, आईटी सेक्टर आज का मूड माहौल तय करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आईटी सेक्टर, तो आज का मूड माहौल आपके लिए सुधारने वाला है। विप्रो पर बड़ा कॉल आ गया आपके लिए, सारे लार्ज कैप आईटीज अगर आप देखें तो उसमें सबसे आगे विप्रो ले सकता है, और बड़े टारगेट्स भी हैं, बट दोनों आईटी काउंटर्स में आज अच्छा रिएक्शन रहेगा। तो अंजी, अगर आईटी का मोमेंटम रहने वाला है, आपको 22,000 भी नजर में आ रहा है, तो फिर आज के लिए बाजारों के लिए क्या खास बातें रहेंगी, कहां पर आपकी नजर है सर? आज की स्ट्रेटजी में देखिए, संकेत तो सारे के सारे अच्छे हैं। पहले मैं आपको आज की स्ट्रेटजी, पहली चीज तो आईटी शेयरों के दमदार नतीजों के चलते भारतीय बाजारों में जबरदस्त जोश बरकरार रहेगा। विप्रो और एक्सेल टेक के नतीजों से आईटी सेक्टर में तो मजबूती रहेगी, बाजार भी दौड़ेंगे। और एक और बड़ा फैक्टर है जो है घरेलू फंड्स की खरीदारी का, लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब कल लोकल फंड्स ने तगड़ी खरीदारी की है। आप देख रहे थे पहले FIIs की खरीदारी हुई पिछले 2-4 सेशन में, फिर लोकल फंड्स ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ दीप, कहाँ जाएंगे यही आएंगे, फिर चाहे वो FIIs हो चाहे वो लोकल फंड्स हो, दोनों को आकर खरीदारी करनी ही पड़ेगी। इस मार्केट में वही सबसे ज्यादा पछता आएगा जो जल्दी बेच के जाएगा, और इसीलिए होल्ड इज अवर बोल्ड कॉल। बार बार हर हफ्ते मुझे इसलिए रिपीट करना पड़ता है ताकि कभी भी आप अपने डायरेक्शन से डगमगाए ना, होल्ड करके चलना है, बिल्कुल होल्ड करके चलना है, औने पौने दामों में आपको शेयर बेचने नहीं है। फिर मैं कहूंगा इतने तगड़े नतीजे आ रहे हैं आईटी शेयरों के, आपको लग सकता है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले ना, आईटी शेयर 2024 के लिए, 2024 के दो हफ्तों के लिए नहीं है, इसलिए प्लीज इन्हें होल्ड करिए। FIIs की तरफ से बिकवाली का प्रेशर कम होता हुआ दिखा है। निफ्टी ने 21,850 के ऊपर जो शुक्रवार को ब्रेकआउट दिया है वो ब्रेकआउट बहुत काम का है, और वो ब्रेकआउट बाजार को और ऊपर ले जाएगा। और ये डायरेक्ट ये ऊपर ले जाने का लेवल सिर्फ 22,000 का नहीं है, 22,000 के भी काफी ऊपर जाने की ताकत बाजारों की दिख रही है। बैंक टीम, अभी तक बैंक टीम में आपको 48,600 के ऊपर का जो लाइफ हाई बना है उससे काफी थोड़ी दूरी है, 900 पॉइंट की दूरी है, और बैंक निफ्टी को उस लाइफ हाई को पार करने के पहले 48,350, 48,550 की आखिरी जो बाधा है बैंक निफ्टी के लिए, लास्ट हर्डल, वहां तक पहुंचना है, और वो पार करके बैंक निफ्टी तभी निकलेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी अभी जल्दी में लाइफ हाई बनाने को तैयार नहीं है, ये होगा सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक के नतीजों के बाद। अगर HDFC बैंक ने अच्छे नतीजे पेश किए और उसके बाद वो चल पड़ा, तो बैंक निफ्टी को लाइफ हाई बनाने के लिए HDFC बैंक ट्रम्प कार्ड है, उसके बाद ही ये चाल तय होगी।
तो ट्रम्प कार्ड आपके लिए एचडीएफसी बैंक है जिस पर हमें रखनी है नजर, और कल आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बाजार के लिए जहां से अगली मूव आ सकती है स्पेशली बैंक्स की तरफ से। अनिल जी बताएं फिर आज के लिए बड़े लेवल्स क्या निकल के आते हैं बाजार के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किन लेवल्स पर आपकी नजर है, कैसे खरीदना है बेचना है सर? आइए आज के संकेत ले लीजिए, ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआईएस के संकेत भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर ही है, घरेलू फंड के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं। वायदा कारोबार के संकेत में दीप एक चीज जो बताना चाहता हूँ वो ये कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जरूर 1.4 के आसपास है, हल्का हायर साइड पर है, ओवर बोट नहीं है लेकिन हायर साइड पर, सेंटिमेंट और ट्रेंड है आज के लिए पॉजिटिव। अब है आपके लिए आज के लेवल्स और रेंज, 21,775 21,850 ये निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर आपके लिए काम करेगा, और ऊपर की तरफ 21,950 के पार निकलने के बाद निफ्टी ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ दिखेगा और 22,000 को क्रॉस करके टिकने की भी पूरी पूरी संभावना है। अब आइए बैंक निफ्टी, 47,525 47,650 बैंक निफ्टी पर आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने के चांस वैसे नहीं के बराबर और कम है, फिर भी आप नोट करके रख लें 47,250 47,400 अगर इस रेंज में गलती से आज कल में कभी भी आए तो स्ट्रॉन्ग बाय जोन के तौर पर काम करेगा। ऊपर की तरफ 47,925 48,075 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है और इसको पार करने पर 48,150 48,350 वो रेंज है जहाँ पर एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट भी कीजिए क्योंकि बैंक निफ्टी अभी तक अपनी रेंज के बाहर नहीं निकला है, निफ्टी ही अपनी रेंज के बाहर निकला है, बैंक निफ्टी को रेंज से बाहर निकलने में अभी भी वक्त है। बाकी डेटा देख लीजिए, एफआईएस की तरफ से लॉन्ग पोजीशन 63% पे मेंटेन है, निफ्टी पुट कॉल रेशियो की मैं बात कर ही चुका हूँ थोड़ा हायर साइड पर है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो एकदम कंफर्टेबल है, बाकी और डेटा सब ठीक ठाक है। आइए अब आज के लिए आपके लिए स्टॉप लॉसेस, लॉन्ग पोजीशन में 21,800 आपका इंट्राडे में रखिए और 21,700 क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी के लिए एक ही स्टॉप लॉस होगा शुक्रवार के लो का 47,400, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों वही होगा। शॉर्ट साइड पर वैसे तो आपका स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही शुक्रवार को ट्रिगर हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी थोड़े बहुत ऐसे शूरवीर हैं जिन्होंने सोचा कि एक दिन और इंतजार कर लें सोमवार को देखेंगे, तो भाइयों आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, स्टॉप लॉस लगाकर काट लीजिए शॉर्ट पोजीशन में। जितना आप शॉर्ट पोजीशन में खड़े रहकर इंतजार करते हैं कि नीचे आएगा, अगर उसका आधा भी आधे से कम भी लॉन्ग पोजीशन में खड़े रहकर इंतजार कर लें तो भाव तो आ ही जाएंगे, पैसे भी बन जाएंगे। सो अगर आप शॉर्ट हैं तो प्लीज शॉर्ट ना रहें, शॉर्ट काट लें डिसिप्लिन के तौर पर 21,950 इंट्राडे और क्लोजिंग। अब आप सोचेंगे इंट्राडे तो खुलते स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा और इसीलिए छोटा ही दे रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को और ज्यादा बड़ा रखना तो 22,000 का रख लो, जो भी रखो लेकिन रखो जरूर, बिना स्टॉप लॉस के शॉर्ट पोजीशन में बिल्कुल भी न रहें, ये आपके लिए आज का स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होगा 48,000 का। नई पोजीशंस, निफ्टी खरीदने की राय है 21,775 के स्टॉप लॉस के साथ और 21,950 तो टारगेट जो शुक्रवार के हाई के आसपास का है ही, लेकिन उसके ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में जाएगा, खुले नीले आकाश में, अनचार्टेड टेरिटरी में, और वहां पर आपको करना क्या है, अपनी लॉन्ग पोजीशन को ट्रेल करते चलना है, 50 या 75 पॉइंट नीचे का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए और तेजी की पोजीशन को बराबर मेंटेन कीजिए, कोई चिंता की बात है नहीं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास खुशखबरी है, बिल्कुल शॉर्ट करें लेकिन कब और कहां, एक ही लेवल है शॉर्ट करने का, जब तक 21,700 के नीचे बैंक निफ्टी टिके ना, टूटे ना ये लेवल, और जब तक टिककर बंद होने के संकेत ना आए तब तक शॉर्ट करने का ख्याल भी अपने दिमाग में न लाएं। यानी कि 21,700 के नीचे बंद होने पर ही पहली बार आपको सोचना है, जरूरी नहीं कि वहां पे भी आप कर दो शॉर्ट, वहां पर से सोचिए कि मैं शॉर्ट करूं या ना करूं और फिर बाकी मूड माहौल देखकर कि क्या खबरें हैं, कैसा ट्रेंड है, एफआईएस के लोकल फंड्स के एक्शन क्या है, और उसके बाद आप शॉर्ट करने की सोचिए। सो समझ गए ना, शॉर्ट करने के लिए 21,700 बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले कोई शॉर्ट करने की राय नहीं है। बैंक निफ्टी खरीदने, बैंक निफ्टी 47,400 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट जो बनेगा आपका 47,850 48,000 दो छोटे टारगेट हैं, 48,075 48,150 दो मीडियम टारगेट हैं, 48,225 48,325 के फाइनल टारगेट के लिए आज करनी है खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी बिकवाली की राय, अभी तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऊपर में बेचा जा सकता है, अभी तक ऐसा सिग्नल नहीं कि ना बेचे, बिल्कुल बेचे 48,150 और 48,350 की रेंज में दो या तीन टुकड़ों में बैंक निफ्टी बेचिए, बस ये कि खाली 48,000 के आसपास देखें, जल्दी में हड़बड़ी में ना बेचें। अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा और ऊपर जाकर पार करने को तैयार है, एक्चुअली डेटा कम है बैंक निफ्टी में, ज्यादा पोजीशन है नहीं, इसलिए हो सकता है एक बार उछाल मारने की कोशिश करें,
वैसे तो दिन आईटी शेयरों के नाम है, बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को भी थोड़ा सा पीछे ही रहा था, आखिरी एक घंटे में मजबूती आई थी 48150 48350 आपके लिए शॉर्ट करने के लिए फर्स्ट क्लास रेंज है, 48500 का आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा। टारगेट जो बनेंगे 48075 और 48200 के टारगेट हैं, 47925 47875 दो मीडियम टारगेट है और 47725 तक के फाइनल टारगेट के लिए करिएगा बिकवाली। बाकी तो आप एफएनओ बैंक के स्टॉक्स बता ही देंगे जहाँ पर 15 स्टॉक्स है 2018 के बाद हाईएस्ट लिस्ट आई है, बधाई हो बैंक में स्टॉक्स दूसरे जा रहे हैं जबरदस्त होता हुआ दिख रहा है। रहा सवाल डेटा का, एफएनओ डेटा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी फंड फ्लो की बात करें तो लगातार तीसरे दिन लोकल फंड की जो बड़ी खरीदारी हुई थी वो बहुत काम की होगी। और अब सबसे बड़ी बात ये, कभी कभी आपको मार्केट में सपोर्ट देने के लिए दो में से एक आ रहा है, या तो कभी एफआईज आ जाते हैं खरीदारी करने के लिए या लोकल फंड्स आ जाते हैं, तो जो फ्लो है मार्केट में पैसे का वो बहुत स्ट्रांग है और 17,000 करोड़ की एसआईपी आएगी तो पैसा लगाना ही पड़ेगा, आप ज्यादा दिन तक बेच नहीं सकते। एक चीज समझ में आ रही है फंड्स को भी, बेच के वापस लेना बहुत मुश्किल काम है। वो कहते ना कि पहले शॉप्स में एक वो कहावत चलती थी कि बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, वो शॉपकीपर्स कहते थे भाई हम रिटर्न में वापस नहीं लेंगे, ये पुराने जमाने में बहुत चलता था, अब उल्टा हो गया, अब सेम हमारे मार्केट में ऐसा ही है, बेचा हुआ माल वापस नहीं खरीदा जाएगा, एक बार आपने बेच दिया वापस ले ही नहीं पाएंगे, इसलिए बेचने की जल्दबाजी हड़बड़ी और जरूरत, जिसे मैं कहूँगा जरूरत, वो बिल्कुल भी ना करें। हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को, हमारे दर्शकों को यही राय है, होल्ड इज आवर बॉन्ड कॉल, होल्ड करें, पूरा पैसा बनाएं, जल्दबाजी में ना बेचें। एब्सोल्युटली सर, और बड़ी खरीदारी फंड्स की तरफ से आ रही है, इनफैक्ट जो अनिल जी ने पॉइंट किया 6850 करोड़ की खरीदारी पिछले हफ्ते डोमेस्टिक फंड्स ने करी, इससे पहले फर्स्ट वीक में करीब 7500 करोड़ की बिकवाली करी थी, तो नेट नेट एक हफ्ते में जो बिकवाली करी वो अगले हफ्ते ऑलमोस्ट उन्होंने पूरी भरपाई कर दी, और हमने देखा भी 2900 करोड़ की खरीदारी आपको सिर्फ फ्राइडे के सेशन में दिखी है। बैन लिस्ट का भी मैं अपडेट आपको दे देता हूं, बैन लिस्ट बढ़ रही है, अब 15 स्टॉक्स है बैन में, 6 साल में सबसे ज्यादा मेट्रोपोलिस और चंबल फर्टिलाइजर की फ्रेश एंट्री बैन में हुई है, उससे पहले जो 13 स्टॉक्स बने हुए थे पॉलीकैब डेल्टा बीएचईएल हिंदू कॉपर पीरामल, ये सारे के सारे काउंटर्स आपके लिए अभी भी बैन में बने हुए हैं, फ्रेश एंट्री मेट्रोपोलिस और चंबल की हो चुकी है। आइए, अनिल जी ने रिजल्ट रिव्यू दे दिया, स्ट्रेटजी दे दी, सारे लेवल्स बता दिए, बट स्टॉक्स पर अभी भी फोकस बना हुआ है, लेते हैं सर से आज का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं अनिल जी, कौन से स्टॉक पर है आपकी नजर सर? आज का स्टॉक ऑफ द डे है मेरा भेल। ओहो, ये स्टॉक तो कमाल करते हुए दिखा दीप, जिस तरह के ऑर्डर्स मिले इस वीकेंड में 15,000 करोड़ से ज्यादा के एनएलसी से ऑर्डर जो मिले, ये स्टॉक कमाल करेगा, 194 रुपए 194 का स्टॉक लॉस है, 200 204 और 210 तीन छोटे टारगेट, और उसके बाद बड़ा टारगेट 220 का। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो फोन 15 शेयरों की लिस्ट में शामिल है जो बैन में, मुझे भी पता है आपको भी पता है, अरे भाई साहब लाइफ टाइम हाई पे 22,000 के इंडेक्स में 200 रुपए के शेयर की डिलीवरी नहीं खरीदेंगे तो फिर क्या 2,000 रुपए के शेयर वाली खरीदेंगे? प्लीज डिलीवरी में लेके शांति से बैठ जाइए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और भेल 144 रुपए से मैं लगातार बुलिश हूँ, और अगर ये स्टॉक यहाँ से 50% ना बढ़े तो फिर इस स्टॉक ने किया ही क्या है। एक ही चीज़ है जो भेल में आपको देखनी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में एग्जीक्यूशन के जैसे ही संकेत आए, भेल के लिए बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है, इतना धंधा आ रहा है, इतना बिजनेस है कि आप सोच ही सकते हैं, जिस क्वार्टर में भेल ने स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन दिखा दिया आप बिलीव नहीं करेंगे भेल का स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा, भाग जाएगा। सो भेल को पकड़ के दिल्ली में रखिए आप, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, 15,000 करोड़ का एनएलसी से आया, ये इसके लिए गेम चेंजर होगा। तो गेम चेंजर होने वाला है ये बीएचईएल के लिए जो बड़ा ऑर्डर आया है, इस पर रखिए नजर। अनिल जी का तो खैर लंबे समय से कन्विक्शन में है, अभी भी बनकर रही है और 50% की रैली यहां से भी आ सकती है, कैश में खरीदना आज वायदा कारोबार के बैन में। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई नो इट्स नॉट बीन इजी लुकिंग फॉर अ लोकेशन, पूरी रात आप जागे रहे हैं, कल से एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं, आशा करते हैं जल्द आपकी फ्लाइट टेक ऑफ हो और फिर स्टूडियो में आपसे मुलाकात हो, बट बहुत बहुत शुक्रिया सर ये स्ट्रैटेजी के लिए वक्त निकालने के लिए, और मोर इंपॉर्टेंटली उतनी एयरपोर्ट के केओस में एक जगह सर ने निकाल ली हमारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। आइए, हमारी टीम भी है तैयार, थोड़ी देर में हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, उससे पहले अरमान नुपुर और आशीष बताएंगे आपको आज के कुछ और नतीजे, खबरें, ट्रिगर्स और साथ ही पूरा का पूरा ब्रोकरेज एक्शन भी। अरमान मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और बाकी खबरों के साथ। जी गुड मॉर्निंग, ट्रिगर्स में सबसे पहले नतीजों में, कैश में कुछ कंपनियों के नतीजे हैं जिसमें आप एंजल वन देख लीजिए, जियो फाइनेंशियल या फिर पीसीबीएल और कुछ कंपनियां हैं जहां पे आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। चॉइस इंटरनेशनल बोर्ड बैठक में
नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा, सफर इंडस्ट्रीज यहाँ पर फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, फीएम इंडस्ट्रीज यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा और एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजी यहाँ पर QIP के इश्यू प्राइस पर विचार किया जाएगा। सांगी इंडस्ट्रीज इनका जो अंबुजा सीमेंट का ओपन ऑफर है वो शुरू होता हुआ दिखेगा। शॉर्ट टर्म ASM में शामिल पॉलीकैब इंडिया और इजी ट्रिप प्लानर्स हैं और रिकॉर्ड डेट के हिसाब से टाटा कॉफी मर्जर जो है जिसका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और टाटा कॉफी डी मर्जर जो प्लांटेशन बिजनेस का TCPL बेवरेजेस और फूड्स में होता हुआ दिखेगा। इंडिया WPI का दिसंबर का डेटा भी आएगा और ग्लोबल के हिसाब से अंत में USA का ट्रेडिंग हॉलीडे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे की वजह से। अन के बाद बारी आती है नुपुर की। नुपुर बताइए नतीजों को लेकर और खबरों के दम पर और कौन कौन से स्टॉक्स जिन पर फोकस करना है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। मेडिया असिस्ट हेल्थकेयर का आज IPO ओपन होने वाला है। आज से 17 जनवरी तक ये IPO ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे तो 397 से 418 रुपीज़ की है। इशू साइज 1770 करोड़ के आसपास का है। साथ ही साथ कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 351 करोड़ रुपए जुटाए, तो इस पर आपको फोकस करके चला। नतीजों में सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट कैश के नतीजे बता रहा हूँ, जहाँ पे क्वार्टर थ्री में कंपनी की आय देखे तो 17% की ग्रोथ आपको आती हुई दिखेगी। ग्रॉस मार्जिन फ्लैट रहे 14% के आसपास। ऑपरेशनली थोड़ा अच्छा नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 15% की ग्रोथ है, अनुमान से बेटर आते हुए दिखाएं। मार्जिन्स भी 8.5% के रहे, अनुमान 8% का था। मुनाफा भी देखें तो 15% की ग्रोथ आपको नजर आएगी यहाँ पर भी। हालांकि जो स्टोर एक्सपेंशन की ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी होती हुई दिखे। आनंदा डी वेल्थ यहाँ पर भी आपको फोकस करके चलना है। क्वार्टर थ्री में कंपनी के नतीजे मिले जुले आते हुए दिखे। काम रेवेन्यू देखें तो 32% की आपको ग्रोथ नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 30% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखाई, लेकिन मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन आपको दिखेगा और मुनाफा भी 35% से बढ़कर आते हुए दिखाई। आदित्य बिरला मनी जहां पे क्वार्टर थ्री की काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आती हुई दिखे। कंपनी की आय देखे तो 51% की ग्रोथ आपको दिखेगी। कामकाजी लेवल पे 85% की मुनाफा में ग्रोथ आपको दिखी है। मार्जिन्स भी देखे तो 35% से बढ़ के 43% के पहुंच गए और मुनाफा भी देखे तो आपको करीबन 67% की ग्रोथ पर 15 करोड़ के आसपास आते हुए दिखाएं। रिजल्ट में लास्ट से जस्ट डायल जहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, ऑपरेशनली तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। रेवेन्यू देखे तो 20% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 2.5 गुना से बढ़कर आते हुए दिखाएं। मार्जिन्स पिछले साल 12% के थे, जो इस बार बढ़ के 23% के होते हुए दिखे। और खबरों में फोकस करके चलना है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। कंपनी ने 2 बड़े एक्विजिशन किए। कैपिटल फूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया का पूरा 100% हिस्सा कंपनी खरीदने वाली है। कैपिटल फूड्स को 5100 करोड़ में कंपनी खरीदेगी। ऑर्गेनिक इंडिया को भी देखे तो 1900 करोड़ में ये डील होगी, तो टोटल डील साइज जो है वो 7000 करोड़ के आसपास की है। तो बड़ा एक्विजिशन जो करने वाला है टाटा कंज्यूमर ऑलरेडी हो चुका है, एंड ऑफ कोर्स इसके इंपैक्ट क्या होगा इस पर भी हम थोड़ी देर में आपके लिए और डिटेल्स लेकर आएंगे। अरमान बताएं और कौन सी खबरें आप लेकर आए। जी, सबसे पहले LIC यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी को 25,464 करोड़ के आसपास का इनकम टैक्स रिफंड मिला है और ये रिफंड पिछले 7 असेसमेंट ईयर में अंतरिम बोनस से जुड़े हुए जो है उससे मिलता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स मुंबई ने लगभग 1370 करोड़ का डिमांड नोटिस यहां पर भेजते हुए दिखे हैं। गुड लक इंडिया, ई मुद्रा, अनंतराज यहां पर 12 जनवरी को QIP खुलेगा, फंड रेजिंग का है यहां पर। उसी के साथ साथ 17 जनवरी को गुड लक इंडिया और आप ई मुद्रा की बात करें तो यहां पर इशू QIP के इशू प्राइस के पर विचार किया जाएगा और अनंतराज में 18 जनवरी पर विचार किया जाएगा। लुपिन यहां पर USFDA से एक नई दवा की अर्जी को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और उसका US में अगर आप इस दवा का जो सालाना बिक्री देखेंगे तो लगभग 490 करोड़ के आसपास की है। सोम डिस्टिलरीज और नजारा टेक्नोलॉजी यहां पर दोनों पे ध्यान रखना है, क्योंकि 17 जनवरी को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और मास फाइनेंशियल की बात करें तो यहां पर बोर्ड बैठक में बोनस शेयर के साथ साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें मास फाइनेंशियल में इक्विटी, QIP, GDR, ADR इनके जरिए जो है फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। ओके, चलिए नुपुर बैक टू यू, जरा बताइए और कौन कौन सी खबरें जिन पर आज फोकस करना है। बिल्कुल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर फोकस करना है। 17 जनवरी के दिन यहाँ पे बोर्ड बैठक होगी, जहाँ पे सिक्योर और अनसिक्योर डेट या इक्विटी के जरिए कंपनी फंड जुटाने पर करेगी विचार। एल्केम लेबोरेटरीज जहाँ पे कंपनी को एक साइबर सिक्योरिटी की घटना सामने आते हुए दिखी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो कंपनी ने देखा है और उनका कहना है कि 52 करोड़ तक का घाटा यहाँ पे कंपनी को होते हुए दिखा है। तो सेंटिमेंटल नेगेटिव न्यूज है एल्केम लेबोरेटरीज के लिए। एसोसिएटेड एल्कोहल्स पर भी आज फोकस करके चलना है, क्योंकि कंपनी का जो
प्लांट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन अब शुरू हो चुका है। एथेनॉल प्लांट में कंपनी ने करीबन 150 करोड़ रुपए का निवेश भी किया था। जिलेट इंडिया जहाँ पे निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीबन 3.25 लाख शेयर 1% इक्विटी 6,755 के भाव पे खरीदी और जो बेचा वो एडवेंट फाइनेंस ने ये शेयर बेचे थे जहाँ पे निपॉन इंडिया ने खरीदे। और लास्ट में एक्सेरा सॉल्यूशंस जहाँ पे प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने 75,000 शेयर खरीदे 1710 के भाव पे और अब उनकी जो कंपनी में हिस्सेदारी है वो 6.7% की है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें, बट आइए ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर तैयार है आशीष FIR। मॉर्निंग आशीष, पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले देखिए नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं HCL टेक पर, जहां पर सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं HSBC, जो कि खरीदारी के राय के साथ टारगेट प्राइस इन्होंने 1565 रुपए से बढ़ाकर 1735 रुपए कर दिया है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1541, काफी बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं CLSA अगर आप देखें तो रेटिंग में किया है बदलाव, डाउनग्रेड किया और टारगेट थोड़ा सा एडजस्ट किया, 1200 रुपये से बढ़ाकर 1536 कर दिया है। ये मान रहे कि आगे जाके थोड़ी सी सीजनालिटी आपको कमजोर साइड पर देखने को मिल सकती है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 1470 से बढ़ाकर 1600 रुपये कर दिया, लेकिन ये मान रहे हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला लेकिन रिलेटिव वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं आ रहा है, इसके चलते यहाँ पर फोकस रखेंगे। विप्रो यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, JP Morgan की तरफ से आ गया है अपग्रेड, अब ये न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 420 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 405 रुपये से बढ़ाकर 460 कर दिया है। जेफरीज ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, लक्ष्य 470 दिया, 465 रुपये का भाव चल रहा है और सभी का मानना है कि नतीजे आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिले। खासतौर पर अगर आप देखें तो मार्जिन्स ब्रोकरेज हाउस को काफ़ी पसंद आए, इसके चलते जेफरीज ने EPS के अनुमान में करीब 4 से लेकर 10% की बढ़ोतरी कर दी है। नोमिडा रिड्यूस की रेटिंग को अभी भी बरकरार रखी हुई। डीमार्ट यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट है, रिपोर्ट आई है JP Morgan की तरफ से, जहाँ पर अंडरबिट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3200 रुपये से बढ़ाकर 3555 रुपये कर दिया है। सिटी बिकवाली की राय दे रहे 3200 रुपये के टारगेट के लिए, गोल्डमैन सैक्स भी नेगेटिव है 3200 रुपये का 3750 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, लेकिन मैक्वायरी ये बुलिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 4350 के लक्ष्य के लिए। और ब्रोकरेज हाउस में डीमार्ट सबसे ज़्यादा पसंद है मॉर्गन स्टैनली को, जिन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 4471 के लक्ष्य के लिए। Okay. और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए आशीष आप? दीपांशु HDFC लाइफ यहाँ पर भी फोकस रखेगा, रिपोर्ट आई है CLSA की तरफ से, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि जो टारगेट है वो 725 रुपये से घटाकर 700 रुपये कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी खरीदारी की राय के साथ टारगेट 800 रुपये से घटाकर 770 कर दिया, लेकिन भाव चल रहा है 638 रुपये का। मैक्वायरी का मानना है कि VNB ग्रोथ थोड़ी सी कम देखने को मिली, क्योंकि AP ग्रोथ भी इस तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो कमजोर रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहाँ पर खबरों के चलते आपको काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें, लक्ष्य 933 रुपये से बढ़ाकर 1305 कर दिया है। जेफरीज का टारगेट है होल्ड की रेटिंग के साथ 1140 का। डिक्सन टेक पर लंबे समय से बेरिश है, गोल्डमैन सैक्स अभी भी रेटिंग को किया है डाउनग्रेड और टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया 4190 रुपए से बढ़ाकर 5400 कर दिया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है 6550 पर। अंबर एंटरप्राइजेस ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है, खरीदारी के राय के साथ टारगेट दिया है 3580, लेकिन सिमिलरली यहाँ पर भी 3640 रुपए का भाव चल रहा है। GCPL मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, रेटिंग को किया डाउनग्रेड और टारगेट 1072 रुपये से घटाकर 1065 कर दिया है। और अंत में TCS यहाँ पर CLSA की तरफ से देखें तो डाउनग्रेड आया और टारगेट 3550 रुपये से बढ़ाकर 3925 कर दिया। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और अन्य एक्शन, और बाजार भी बस तैयार हैं खुलने के लिए। आइए हमारे सारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं कुछ बेहतरीन पिक ऑफ द वीक के साथ। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी, मेहुल कोठारी साहब और जैन साहब हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं, और हिमांशु जी आज सबसे पहले आए हैं। सर गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत पिक ऑफ द वीक। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप, गुड मॉर्निंग टू यू नेहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को, हमारे सभी व्यूअर को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दीप, पिक ऑफ द वीक जो है वो कैश सेगमेंट का एक स्टॉक है, जो कि पहले भी हम काफी बार रिकमेंड कर चुके हैं। मुझे याद है कि जैन साहब के जेम्स में भी ये स्टॉक कहा है। IT स्टॉक एक्सेलिया सॉल्यूशंस,
मुझे लगता है ये स्टॉक रडार पर रखना चाहिए, जिस तरह से आईटी के नंबर्स की शुरुआत हुई है धमाकेदार, और इस स्टॉक का जिस तरह का चार्ट पैटर्न और पिछले हफ्ते की क्लोजिंग देखने को मिली है दीप, मुझे लगता है ये स्टॉक इस हफ्ते एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 1750 रुपए के आसपास का क्लोज है इस स्टॉक में, करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 1680 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है इस हफ्ते में 1940 और 2000 रुपए तक के दोनों टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं, तो एक्सेलिया सॉल्यूशंस रहेगा इस हफ्ते का पिक ऑफ द वीक। ओके तो एक्सेलिया सॉल्यूशंस यहां पर करनी है आपको खरीदारी, 2000 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। मेहुल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द वीक कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा जो पिक ऑफ द वीक था, मुझे भी विप्रो बहुत पसंद था, हालांकि अनिल जी ने दिया है वो, तो दूसरा एक और काउंटर है मेरे पास डिफेंसिव स्पेस से, दैट इज आईटीसी। आईटीसी फ्यूचर में कंडीशनल बाय है, 470 के ऊपर इसमें खरीदारी करनी है, 460 का स्टॉप लॉस रहेगा, 490 का टारगेट रहेगा। देखिए दिसंबर में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया था अराउंड 470 के आसपास, और उस पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो आईसीसी तकरीबन 500 के आसपास जाना चाहिए, तो ब्रेकआउट के बाद उस ब्रेकआउट को फिर से रीटेस्ट किया है इस काउंटर ने, रिस्क रिवॉर्ड यहां पर बहुत ही बढ़िया है, तो बाय आईटीसी फ्यूचर अबव 470, स्टॉप लॉस 460, टारगेट 490। ओके चलिए, तो मेहुल जी को पसंद आया है आईटीसी फ्यूचर्स, फोकस करिएगा, 490 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुणाल सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका, आपकी तरफ से पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। खरीदारी की राय मेरी है नेहा सरकारी बैंक्स पर, मुझे लगता है कि एक जबरदस्त मोमेंटम हमने पिछले सप्ताह आते हुए देखा, पीएनबी में विशेष रूप से बड़ी तेजी बनी, लेकिन आज मेरी खरीदारी की राय है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हमने शुक्रवार के ट्रेड में देखा था, स्टॉक एक बहुत शानदार अपमूव दिखा चुका है, मुझे लगता है कि और बड़ी तेजी यहां पर बनेगी, मौजूदा स्तरों पर खरीद करके चले, 127 रुपए पर 127 पर स्टॉप लॉस रखना है, पहला टारगेट होगा 136 रुपए का, 136 का पहला और 140 रुपए का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी कराए। यूनियन बैंक यहां पर आपको करके चली है खरीदारी। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, आपकी पिक ऑफ द वीक कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। मेरा दीपांशु जो पिक ऑफ द वीक है वो है बीपीसीएल। बीपीसीएल पर खरीदारी की राय है, एंटायर ओएमसीज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बीच में डाउनग्रेड्स भी आए थे, एचपीसीएल चल चुका है, बीपीसीएल चला नहीं है, 458 के अराउंड चल रहा है, 440 का लगाना है स्टॉप लॉस, 492 के वीकली टारगेट के लिए बीपीसीएल है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके बीपीसीएल पे रखिएगा नजर, पिक ऑफ द वीक बंसल साहब की तरफ से आती हुई है। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैन साहब गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका, जरा बताइए आपकी पिक ऑफ द वीक कहां से आ रही है? बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी लोरी, हैप्पी संक्रांति, हैप्पी बिहू, हैप्पी पोंगल, और बहुत सारे फेस्टिविटीज थे, देश एक है बट हमारे फेस्टिवल्स अनेक थे, एंड इट वॉज सैटरडे संडे मंडे, तीन दिन से फेस्टिविटीज ही चल रही है इंडिया में, बट एनीवेज स्टॉक्स भी और मार्केट में भी काफी धूम मची हुई है, विप्रो के गजब के रिजल्ट्स थे और बहुत सारे स्टॉक्स, बट एक बार मैं फ्राइडे इवनिंग जो मैंने स्टॉक्स दिए थे मैं उनको एक बार रिपीट करूंगा, तो मैंने एलएनटी दिया था इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे, फिनोलेक्स केबल्स दिया था पोजिशनल पिक के तौर पर, और सेरा सैनिटरी वेयर दिया था मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर, तो ये तीन पिक्स तो अलग हो गई, बाकी अनिल जी को धन्यवाद क्योंकि वो विप्रो उन्होंने दिया था, विप्रो मेरे भी लिस्ट में है, बट मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा कितना गैप अप खुलता है फिर ही ले, अननेसेसरली गैप अप खुले तो अननेसेसरली घुसने की कोशिश नहीं करें, थोड़ा नीचे आने पहले मेरी तरफ से ये है। हिमांशु जी ने भी आईटी स्टॉक दिया, थैंक यू टू हिम ऑल्सो, एक्सेलिया बहुत बार मैंने दिया है, और कुणाल जी ने पीएसयू बैंक दिया तो मेरी भी लिस्ट में एसबीआई और कैनरा बैंक अलग से है, पीएनबी तो ऑलरेडी चल ही चुका, और मेहुल जी ने आईटीसी दिया था तो वी आर बुलिश ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड एफएमसीजी, क्योंकि कहीं ना कहीं आईटी जिस तरीके से लास्ट ईयर मोर्चा संभाला था लास्ट वीक, तो इस हफ्ते मुझे लगता है कि एफएमसीजी कैन प्ले, तो आईटीसी एंड एचयूएल ये दोनों स्टॉक्स हमारे लिस्ट में है, एंड अबव ऑल मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है वो है कुणाल जी का फेवरेट स्टॉक जिसका पुराना नाम दूसरा होता था और अब है शेफलर इंडिया लिमिटेड, तो शेफलर इंडिया पे मेरे हिसाब से मेन पिक के हिसाब से दाव लगाना चाहिए पिक ऑफ द वीक। शेफलर इंडिया ये रहेगी जैन साहब की तरफ से उनकी आज मेन पिक, एंड ऑफकोर्स बैंक्स पर जैन साहब का भरोसा है और हम एक्शन एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं वहां पर, साथ ही भरोसा है सर का आईटी में, वहां पर तो आप जबरदस्त मोमेंटम देख ही रहे हैं। जैन साहब एवेन्यू सुपरमार्ट इसके नंबर्स पर भी कुछ व्यू, ये भी नंबर्स पर रिएक्ट करेगा, कोई राय सर? देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट ऐसा है कि मैं जनरली तो देखिए इसके ऊपर बहुत ज्यादा राय
रखता नहीं क्योंकि मुझे बहुत महंगा लगता है ये स्टॉक, बट यस मार्केट्स में महंगे स्टॉक और ये सब चल रहे हैं और ये ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ हुआ स्टॉक है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो मुझे लगता है कि देखिए जब मार्केट्स में करेक्शन आया हुआ रहता स्टॉक में तो जनरली जो रिएक्शन होता रिजल्ट पे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होता, तो मुझे लगता है कि एक गैप अप के साथ भी खुल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, समाव मार्जिन्स बढ़ के आए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। सो ओवरऑल मार्जिन्स बढ़ के मतलब बराबर से आए और नंबर्स बढ़िया बढ़ के आए हैं, जो मतलब 590 करोड़ का पैट था दिसंबर 2022 में उसके सामने 690 करोड़ का पैट है। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक में जिन्होंने लिया हुआ है वो बने रहे और जिनको लेना है हो सकता है अगर आज नॉर्मल गैप अप नहीं खुले तो एंट्री ली जा सकती है, बट जनरली मेरा उस पिक में नहीं रहता कि मैं हमेशा मेरा बहुत हाई कन्विक्शन पिक में नहीं रहता है, बट ग्रेट पिक ग्रेट प्रोमोटर बैकग्राउंड तो सर्टनली ये स्टॉक चल रहा है, बट 103 का पी मल्टीपल ये भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। तो ये है आपके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स, इस पर रखेंगे नजर। कुणाल जी की तो ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो का स्टॉक भी है। कुणाल जी टेक्निकली लेवल्स सर बता दें आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए कुल मिलाकर के देखें दीपांशु, तो काफी समय से डीमार्ट बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो पहली चीज तो ये समझनी चाहिए कि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। बाजार में हम लाइफ टाइम हाईज देख रहे हैं और ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहां पर थोड़ा समय देना पड़ेगा। 4200 के ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तब इसमें आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करता रहेगा। रेंज जो है वो लगभग 4100 से लेकर के 3650 तक की रेंज है, तो इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे के लेवल्स पर बाय करने की मेरी राय रहेगी। फिलहाल स्टॉक में कोई खरीदारी बिकवाली की राय नहीं है और डिस्क्लेमर यह है दीपांशु, जैसा आपने कहा कि स्टॉक पे मेरा निजी निवेश। ओके, तो दायरा कारोबार रहेगा लेकिन जब लोअर बैंड को टच करे तो खरीदारी बिल्कुल बनती है, ऐसा कुणाल सर मानते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज ये भी हमारे रेडार पर है क्योंकि कुछ बड़ी खबरें, दो बड़े अधिग्रहण इनकी तरफ से इन्होंने किए हैं और कैपिटल फूड्स ऑर्गेनिक इंडिया इनका 100% हिस्सा अधिग्रहण ये करेंगी, तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस पर रहेगी नजर। जैन साहब क्या व्यू बन रहा है सर इस स्टॉक पर आपका और इस खबर के बाद? नहीं, ये खबर जोरदार है और वेरी फ्रेंकली ऑर्गेनिक इंडिया के तो प्रोडक्ट्स में बहुत यूज किया हूँ, इनफैक्ट एक डिस्क्लेमर के साथ ही बोलूंगा, बट इट्स अ वेरी गुड एक्विजिशन और बहुत स्ट्रेटेजिक है। बाकी ये कंपनी इनऑर्गेनिकली काफी ग्रो कर ही रही है, काफी चल भी रहा है ये स्टॉक और काफी मुझे वैल्यूएशन भी देखिए, अब सारे एफएमसीजी स्टॉक्स के तो अनाप शनाप वैल्यूएशन सही है, बट मैं एफएमसीजी में जाना चाहूंगा तो मैं आईटीसी और एचयूएल जो मैंने आज रेकमेंड किया वहां पे मुझे बेहतर वो लगता है, बट इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक एंड इट्स अ पॉजिटिव न्यूज, तो जो लोग ने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखें, बाकी मेरे हिसाब से गिरावट पे ही खरीदेंगे हम, अगर कोई फ्रेश एंट्री लेनी हो तो टाटा कंज्यूमर। फ्रेश एंट्री के लिए करिएगा इंतजार, टाटा कंज्यूमर फंडामेंटल्स इसके तगड़े हैं लेकिन थोड़ा एंट्री नई एंट्री के लिए आपको करना होगा इंतजार, अगर पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। बंसल सर एक टेक्निकल व्यू आपसे लेना चाहेंगे, चार्ट्स पे आपको कोई मौके नजर आ रहे हैं? नया स्टॉक कौन सा है नया? टाटा कंज्यूमर। नेहा काफी बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे से एक रैली चली आ रही है कंटिन्यूसली, तो जिनके पास है नेहा होल्ड की राय है, कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आती है तो उसमें नए खरीदारी की राय है, क्योंकि ट्रेडिंग के नजरे से कोई वैलिड स्टॉप लॉस नहीं है, तो कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आया तो खरीदे हैं, जिनके पास है होल्ड टाइट सिट टाइट। ऑल टाइट सिट टाइट यही आपके लिए सलाह रहेगी, बट देखते हैं आज कैसा रिएक्शन आता है। टाटा कंज्यूमर एवेन्यू सुपरमार्ट्स दोनों कंजम्पशन स्पेस के काउंटर्स आज आपको मूवमेंट दिखा सकते हैं ट्रेड में। नतीजों के दम पर भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है, उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। जस्ट डायल इसके भी नंबर्स आए थे, मेहुल जी एक बार जस्ट डायल का चार्ट देख लें, बताएं यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकलते हैं टेक्निकली? दीपांशु देखिए काउंटर काफी बार हमने डिस्कस किया है, काफी बार हमने रेकमेंड भी किया है, तकरीबन 700 रुपए से हम बुलिश इस काउंटर पे। अब जो उसका ब्रेकआउट था 875 के आसपास का, वो ब्रेकआउट आ गया है, अर्ली ब्रेकआउट आया है, उसके चलते यहाँ पर मुझे लगता है कि 4 digit इजीली जा सकता है आने वाले 3-4 महीने में, तो यहाँ पर कोई भी डिप आए तो इसमें खरीदारी कीजिए। ओवरऑल
बेस बना है इसका तकरीबन 770 के आसपास का, भी 870 के आसपास का भाव है। कभी भी डिप मिलती है 850 840 के आसपास तो इसको एक्युमुलेट करना चाहिए, बाकी होल्ड कीजिए इस काउंटर को। 1000 तक के अपसाइड टारगेट दिखाई दे सकता है आने वाले 3-4 महीने में। 1000 के टारगेट्स अपसाइड पर यहां पर आपको दिख सकते हैं, देखते हैं कैसा रिएक्शन ये दिखाएगा। लुपिन, हिमांशु जी जरा इस पर नजर डालें, इनकी एक दवा को यूएस में मंजूरी मिली है, करीब साल की 600 करोड़ की इसकी बिक्री होती है। लुपिन का चार्ट क्या कहता है सर? दीपक, स्ट्रॉन्ग चार्ट है, इनफैक्ट काफी लोअर लेवल से हम लोग चैनल पर इसको रिकमेंड भी करते आए हैं, और मुझे लगता है एक ब्रीफ कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में स्टॉक को देखने को मिला है। मेरा मानना है कि अगर आज इस न्यूज के चलते स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है और स्टॉक 1400 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से 3-5% तक का अपमूव इस हफ्ते में स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तेजी की पोजीशंस होल्ड की जा सकती हैं, फ्रेश खरीदारी भी अगर 1400 रुपए के ऊपर निकलता है स्टॉक तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करके चलने की सलाह। ओके, तो यह है आपके लिए लुपिन, देखते हैं इस पर कैसा एक्शन बनेगा। जोमैटो पर भी रखिएगा नजर, 4.5 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे प्री ओपन विंडो में आपको होते हुए दिख रहे हैं, तो बड़ा स्टेक सेल या बड़े हैंड एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ बड़े सौदे आपने जोमैटो में होते दिखे हैं। हम कन्फर्म करते हैं आपके लिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ है और कितना स्टेक है, किसने खरीदा है बेचा है, वो भी निकालने की कोशिश करेंगे, बट बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है जोमैटो में, इस पर रखनी है आपको नज़र। यहाँ पर भी एक्शन आपको दिखेगा, एक चार्ट चेक भी ले लिया जाए जोमैटो पर, स्टॉक रिसेंटली आपको अच्छे एक्शन में भी दिखा है। मेहुल जी बताएं सर, 140 के लेवल पर जोमैटो पर क्या राय है आपकी? देखिए दीपांशु, ऑलरेडी सारा पैनल, अनिल जी और हम सभी इस काउंटर पे ऑलरेडी फंडामेंटली तो बुलिश है ही, बट यहाँ पर एक टेक्निकल रेजिस्टेंस आ रहा है, बट वो भी शायद निकल जाएगा। 145 के आसपास का रेजिस्टेंस है, ये हाई हुआ करता था दिसंबर 2021 में, तो यहाँ पर 145 का रेजिस्टेंस है, वो अगर निकलता है तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, 160 तक के अपसाइड देखे जा सकते हैं। फिलहाल इस काउंटर में होल्ड कीजिए, फ्रेश बाइंग 145 के ऊपर की जा सकती है। सपोर्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट 130 के आसपास का है। ओके, तो ये है आपके लिए जोमैटो, जिस पर आप बड़ा एक्शन बनते हुए देख सकते हैं, बड़े सौदे इस पर होते हुए दिखे हैं। LIC, इस पर भी एक राय लेनी है। बंसल जी जरा इसके चार्ट पर राय ले लें। दो चीजें, एक तो बड़ा रिफंड ने मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, 25,500 करोड़ के आसपास का रिफंड इन्हें मिला है पिछले 7 असेसमेंट साल के बेसिस पर, और फिर एक टैक्स डिमांड नोटिस भी है 1370 करोड़ का, बट जितना बड़ा रिफंड मिला है उसके सामने ये डिमांड नोटिस तो कुछ भी नहीं है। एक बार LIC पर अपनी राय दे सर। दीपांशु, LIC पर राय पॉजिटिव है, इनफैक्ट 829 के अराउंड चल रहा है, इन स्तरों पर करेक्शन पर 800-815 के बैंड में मिल जाए तो खरीदना चाहिए, और लास्ट मैंने और कुणाल जी ने 805-810 के अराउंड खरीदारी की राय दी थी, और दीपांशु यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक एक बेस बना रहा है 890 प्लस के लेवल्स का, बेस बना रहा है 890 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए, तो इन स्तरों पर एक ओवरबेट खरीदारी की राय है। और दीपांशु, लास्ट वीक भी मैंने बोला था कि ये सब नोटिसेस वगैरह बेकार हैं, और अब तो आपने जो हाईलाइट करा कि जो रिफंड है दैट इज उसका जो अमाउंट है दैट इज सिग्निफिकेंटली बिगर देन द जो नोटिस का अमाउंट है, तो इन सब चीज़ों को नोटिसेस को इग्नोर करके चलना चाहिए। और LIC जिस तरीके की मार्केट की सीन है, जिस तरीके से मार्केट में फियर है, LIC मोर ऑफ एक डिफेंसिव काउंटर लगता है, जहां डाउनसाइड कैप्ड है और री रेटिंग नियर टर्म में देखने को मिलेगी, तो मेरा और कुणाल जी का ऐसा मानना है कि यहाँ 890 प्लस के लेवल बजट से पहले देखने को मिलेंगे। ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन LIC। ओके, ओवरवेट खरीद की राय LIC पर निकलकर आती हुई। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रिवरीज पर भी नजर डालेंगे, क्योंकि 17 जनवरी को बोर्ड बैठक में फंड जुटाने पर विचार होगा। इक्विटी QIP कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड जुटाने पर यह विचार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहुल जी, कोई राय बन रही है सर सोम डिस्टिलरीज में? जी हाँ, देखिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट के पास है। अगर हम बात करें पिछले 2-3 महीने की, तो 270 के आसपास बार बार ही ये काउंटर आया और वहां से बाउंस आया है, अभी भी 270 के पास ये ट्रेड कर रहा है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो मैं समझता हूँ मल्टीपल बॉटम है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अपसाइड में कंफर्मेशन अगर आता है तो उसके ऊपर ही बाय कीजिए, तो वो जो ब्रेकआउट आएगा शॉर्ट टर्म का वो आएगा तकरीबन 284 के ऊपर, तो 284 के ऊपर इस काउंटर में खरीदारी की जा सकती है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा है। 275 का तब स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन 284 के ऊपर ही बाय करना है, 275 स्टॉप लॉस, और अपसाइड में मैं समझता हूँ 305 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर भी आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है, बड़ा एक्शन बाजार में आपको होने की तैयारी में है। आइए और भी स्टॉक्स की करेंगे चर्चा और बाजार भी खुलेंगे।